नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की 5 सबसे महंगी शादियों के बारे में। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता, इनकी शादी नीता अंबानी से हुई जिसका बजट लगभग 700 करोड़ रुपए था। पर गौर करने की बात यह है कि हर शादी की तरह इस शादी में भी फूफा नाराज ही थे। धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे और मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की शादी भी कोई शाही शादी से कम न थी। इस शादी में सभी बड़े चमकते सितारे जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल सभी आए थे। इस शादी में लगभग 500 करोड़ का खर्चा आया। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी भी कुछ कम नहीं थी। इसमें बेयोंसे के प्राइवेट कॉन्सर्ट के साथ साथ संगीत पार्टी के लिए उदयपुर महल भी बुक किया गया था। शादी में कुल खर्च आया था करीब 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर। क्या बात है। माइनिंग किंग जनार्दन रेड्डी के बेटे राजीव रेड्डी और ब्राह्मणी की शादी में करीब 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। इस शादी में 50,000 गेस्ट आए थे और हर वेडिंग कार्ड पर LCD स्क्रीन लगी हुई थी। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की शादी अब तक की सबसे बड़ी शादियों में से एक है, जिसमें 950 करोड़ का खर्च आया था। इस शादी में फेमस बॉयबैंड मरून 5 ने लाइव परफॉर्मेंस दी थी। इससे ये बात तो साबित होती है कि चाहे कुछ भी बोलो, पैसा तो सबसे ज्यादा अंबानी लोगों के पास ही है। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।